गाइस, मैं हूँ मेघा और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे हेयर स्ट्रेटनर से घर बैठे एकदम सैलून जैसे स्ट्रेट बाल खुद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अच्छे से शैम्पू और कंडीशन किए हुए बालों को आप सेक्शंस में इस तरह डिवाइड कर लीजिए, अच्छे से कॉम कीजिए एंड देन सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। इस स्टेप को करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आपने सेक्शन नहीं किया तो आपके कर्ल्ड और स्ट्रेट बाल अलग अलग नहीं होंगे और कन्फ्यूजन हो जाएगी। अगर आपके बाल घने हैं तो और ज़्यादा सेक्शन कीजिए। नाउ बालों को इस तरह डिवाइड करने के बाद किसी भी आयनिंग रॉड यूज़ करने से पहले एक अच्छा सा हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं यहाँ टोनी एंड गाय का हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है, बाल डैमेज नहीं होते हैं। ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं वही दिखा रही हूँ आपको जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। नाउ इसके बाद मैं ये कोरियोलिस का टाइटेनियम प्रोफेशनल स्टाइलिंग आयरन यूज़ करूँगी। आप कोई सा भी स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। इससे पहले मैंने बहुत सारे स्ट्रेटनर यूज़ किए हैं बट ये वाला एकदम बेस्ट है। तो इस तरह इतने बालों को लेके न ज़्यादा न कम इतना सेक्शन आप बालों का लीजिए और फिर आयरन को आगे से लेकर पीछे तक इस तरह प्रेस कीजिए बालों में। ध्यान रखिए कि एक ही पोर्शन पे बहुत ज़्यादा ना रुके, वरना बाल जल सकते हैं। तो इस तरह जो है आप बालों को 2 से 3 बार आप जो है आगे से पीछे इस तरह प्रेस कीजिए। एक बार में बाल स्ट्रेट नहीं होते हैं, आपको 2 से 3 बार जो है स्ट्रेटनर चलाना पड़ेगा बालों में। तो वंस आपके बालों का जो सेक्शन है ये इस तरह स्ट्रेट हो गया है, तो अब हम मूव करेंगे आगे। तो अगेन इतने से बाल आप लेके जितने मैं दिखा रही हूँ, अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वो स्ट्रेट नहीं होंगे और कम लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह इतने सेक्शन को लेके आप जो है स्ट्रेटनर फिर से चलाइए। आपके पास जो स्ट्रेटनर है आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे इसलिए पसंद है, एक तो इसका टाइटेनियम रॉड है, बहुत ही इससे सिल्की बाल होते हैं, इसीलिए मुझे ये जो स्ट्रेटनर है बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे पहले मेरे पास 2-3 थे बट उनसे जो इफेक्ट है इतना अच्छा नहीं आता था। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप देखेंगे कि मैं जो पिछले बाल हैं उनको भी साथ में एक बार स्ट्रेट कर रही हूँ लास्ट में। तो ये आपको स्टेप हर स्टेप में दोहराना है और यही आपके सैलून जैसे स्ट्रेट बालों का राज है। तो आप जितने स्ट्रेट करते जाएंगे आगे, आप एक बार पीछे वाले बालों को भी एक साथ ले लेंगे लास्ट स्टेप में। नाउ ये देखिए डिफरेंस दोनों बालों में। अब हम आगे फिर से बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेक्शन हम लेंगे बालों का और उसके बाद इसको आगे से पीछे फिर से प्रेस करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो इस तरह अगेन जो है आप बालों को लीजिए। आपका जब पेशेंस लूज़ हो जाए तो आप ज़्यादा बाल ना लें, वरना वो बिल्कुल भी सिल्की स्ट्रेट नहीं दिखेंगे जैसे सैलून में होते हैं। देखिए अब लास्ट में फिर से मैं सारे बालों को लेकर स्ट्रेट कर रही हूँ। यही राज है, यही ट्रिक है, एकदम सैलून जैसे। वो जैसे सेलिब्रिटीज़ के जो आप स्ट्रेट बाल देखेंगे वो ऐसे ही होते हैं। अब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, मैंने सारे बाल जो हैं इस सेक्शन के स्ट्रेट कर लिए हैं और देखिए डिफरेंस दोनों सेक्शंस में। अब मैं इस साइड का भी स्ट्रेट करके जल्दी से आती हूँ। तो ये जो है दोनों साइड के मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं बाल। अब टॉप पोर्शन के आप क्लिप्स को खोलेंगे और अगेन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिवाइड आपको करते जाने हैं बाल, तभी आपके एकदम एक्यूरेसी से बाल जो है सिल्की स्ट्रेट होंगे। उसके बाद जो है अगेन मैं हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे यूज़ करूँगी। ये स्टेप बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपके बालों को डैमेज से बचाता है। तो इसके बाद जो है अगेन 2 से 3 बार आप जो है बालों में स्ट्रेटनर घुमाएं, उसके बाद पीछे वाला पोर्शन और फिर एक साथ दोनों पोर्शंस को ले लीजिए एंड फिर इस सारे पोर्शन को एक बार फिर से ले लीजिए। तो इससे क्या है, एक आपका एकदम स्ट्रेट चंक आ जाता है, पूरे बाल एक सार से स्ट्रेट दिखते हैं। आप लोग मुझसे पूछते थे हमेशा कि मेघा आप कैसे इतने अच्छे बाल स्ट्रेट करते हो, तो यही जो है राज है। तो जब तक आपके बाल स्ट्रेट ना हो आगे ना बढ़िए। नाउ अगेन मैं इस साइड के भी बाल दोनों साइड में सेक्शन करके आती हूँ। तो ये वाले भी मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं। अब बचे हैं हमारे खाली टॉप पोर्शन। नाउ टॉप पोर्शन जो है उसको आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेट करना है, क्योंकि यही जो है आपका फिनिश लुक अच्छे से देता है। तो अगेन मैंने स्प्रे जो है स्प्रे कर दिया है और उसके बाद जो है मैं इस तरह इस पर स्ट्रेटनर चला रही हूँ। थोड़ा सा इसका मुंह अंदर करूँगी ताकि मुझे एक बाउंस मिले, जैसा बाउंस आप देखेंगे सुष्मिता सेन या फिर डिम्पल कबाड़िया के बालों में रहता है, तो वो इस तरह से आता है। नाउ स्ट्रेट करने के बाद अगेन मैं इसको फिर से करूँगी ताकि अच्छे से कोई भी जो पार्ट है वो कर्व्ड ना रह जाए। तो आप देखेंगे आगे से थोड़ा सा बाउंस आ गया है। तो इसी तरह इसको अंदर से थोड़ा सा कीजिए इसका मुँह स्ट्रेटनर का, तो इस तरह से बाउंस आ जाएगा। सेम चीज़ मैं इधर भी करूँगी।
एंड अब लास्ट स्टेप में मैं इन बालों को भी आगे के फ्रंट को अंदर की तरफ घुमाऊंगी। तो गाइज इस तरह आप बहुत ही इजीली एकदम सैलून जैसे स्ट्रेट बाल आप किसी भी फंक्शन, इवेंट और पार्टी में कर सकते हैं। आई होप अब इस ट्यूटोरियल के बाद आप बहुत इजीली स्ट्रेट करेंगे। डोंट फॉरगेट टू यूज़ एक बहुत अच्छा स्ट्रेटनर और एक हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे और बालों को सेक्शन करना और धीरे धीरे छोटे छोटे सेक्शंस में बाल स्ट्रेट करना। तो गाइज ये था कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे सैलून जैसे स्ट्रेट बाल हेयर स्ट्रेटनर से करें घर पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ तो इसे थम्स अप देना ना भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए पॉकी मेक्स हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फील ब्यूटिफुल बी स्टाइलिश। बाय बाय।